क्या हाल है मेरे प्यारे भाई लोग, मैं हूँ बोल्ड। एंड जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करा था कि पोकेमॉन गेम खेलना है, मुझे भी बहुत दिनों से पोकेमॉन गेम ही खेलना था गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोकेमॉन, लेट्स गो गाइस। वैसे सुबह एक एपिसोड ऑलरेडी आ गया है मार्वल एवेंजर्स का, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। एंड आज से अपना पोकेमॉन जर्नी करते हैं शुरू इन 3, 2, 1, बूम। नाम है मेरा बोल्ट, यस आई एम बोल्ट। तो मैंने सेट कर दिया अपना नाम गाइस। तो गाइस हो गया है शुरू, आई एम बोल्ट माय बॉय, योर वेरी पोकेमॉन टेल इज अबाउट टू अनफोल्ड। यस, हमें भी देखना है कि इस पोकेमॉन दुनिया में ऐसा क्या है। बहुत ही फंटास्टिक गेम है गाइस, आप मैं आराम से खेलेंगे, इस गेम को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम लोग पोकेमॉन स्वॉर्ड भी खेलेंगे। पोकेमॉन पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पोकेमॉन ये, लेट्स गो पिकाचू, फिर हम लोग पोकेमॉन स्वॉर्ड खेलेंगे। ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ है निंटेंडो स्विच, ये मेरा टीवी, वो है मेरा डेस्क, ये है मेरा हाथ, क्या बोल रहा हूँ गाइस। ऑल राइट, तो ये हूँ मैं गाइस, आप लोग जैसे देख सकते हो। तो आवर वेरी ओन पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट्स, तो ये है पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट हो गया। तो चलो नीचे चलते हैं, आई एम कमिंग अप। हु इज कमिंग अप गाइस, हु इज कमिंग अप? ऑलराइट, ये कौन है? गैरी, मॉर्निंग आई एम बोल्ड। तो इस लड़के का नाम है गैरी, इसने मुझे गुड मॉर्निंग ग्रीट किया है। व्हाट्स गोइंग ऑन, यू हैव गॉट वन वियर्ड लुक ऑन योर फेस, नेवर माइंड डैड, आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर सो आई केम टू गेट यू। ये शायद से मेरा राइवल होगा गाइस। टुडे इज फाइनली द बिग डे, वी आर फाइनली गोइंग टू गेट आवर फर्स्ट पोकेमॉन। सो गाइस आज हम लोग को अपना पहला पोकेमॉन मिलने वाला है, सो लेट्स सी कौन सा वाला पोकेमॉन मिलता है। ओह बट बिफोर वी डू, कुछ करने का बोल रहे हैं, यू रीड द ईमेल आई सेंड यू यस्टरडे राइट? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है भाई, चेक योर कंप्यूटर इफ यू डिडंट। चलो इसने बोला है मुझे देखने के लिए कंप्यूटर, तो देख लेते हैं। गैरी तो चला गया है, तो चलो बोल्ट देखते हैं कंप्यूटर में ऐसा क्या है। देयर इज एन ईमेल फ्रॉम गैरी, हे आई एम बोल्ट, सो हियर इज व्हाट यू नो एज अ ट्रेनर। अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं पढ़ना है यार। ऑलराइट गाइस, तो चलो नीचे चलते हैं। ये है मेरा प्यारा सा घर गाइस, और मेरा मामा कहाँ है? हेलो मामा, ऑफ यू गो टू प्रोफेसर ओक्स लैब, गैरी आस्क्ड द प्रोफेसर टू गिव द टू ऑफ योर पोकेमॉन, डिडंट ही? ऑलराइट गाइस, तो माँ भी बोल रही है कि जाओ प्रोफेसर ओक में, लैब में जाओ। तो गाइस ये है अपना खूबसूरत सा टाउन, टाउन का नाम क्या है पता नहीं, पैलेट टाउन है क्या? नहीं, पैलेट टाउन से तो एज बिलोंग करता है ना, तो इस टाउन के बारे में भी हम लोग जानेंगे गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, तो चलो टाउन का नाम पढ़ते हैं। पैलेट टाउन, ये भी पैलेट टाउन, अच्छा ऑब्वियसली पैलेट टाउन ही होगा गाइस, क्योंकि पैलेट टाउन से ही तो प्रोफेसर ओक बिलोंग करते हैं ना। तो चलो अभी जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास। हेलो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे गाइस? पहले प्रोफेसर ओक के पास जाना पड़ेगा। ए प्रोफेसर ओक तो सामने की तरफ है। वेल माय गुड पीजी, थैंक्स फॉर द हेल्प। ऑलराइट, कुछ होने वाला है, प्रोफेसर ओक पीजी से बात कर रहे हैं। और गाइस मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोफेसर है पोकेमॉन सीरीज में, वो है प्रोफेसर ओक। वैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स है पोकेमॉन के दुनिया में, तो आई एम बोल्ड करके मेरे को बुला रहे हैं और मेरे पास भी आ रहे हैं। ओ ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस टू गिव यू एंड गैरी योर फर्स्ट पोकेमॉन। अच्छा, प्रोफेसर ओक को याद है कि आज प्रोफेसर ओक मेरे को पहला पोकेमॉन दिलाने वाले हैं। वेल इन दैट केस व्हाई डोंट वी हैड ओवर टू पीका पीका, मतलब पिकाचू का आवाज सुना मैंने, आप लोगों ने भी सुना होगा। ओ ये तो पिकाचू ही है गाइस, आप लोग देख सकते हो, वाह कितना क्यूट पिकाचू है। गाइस फाइट हो ही गया क्या, ये क्या हो रहा है? यू हैव एनकाउंटर्ड ए वाइल्ड पिकाचू, ओके माय श्योर यू वुडन हैव एक्सपेक्टेड पिकाचू अराउंड हियर, बट सिंस द अपॉर्चुनिटी हैज प्रेजेंटेड इटसेल्फ, व्हाई डोंट वी प्रैक्टिस सम पोकेमॉन कैचिंग। तो शायद से गाइस पिकाचू को कैच करना पड़ेगा, मेरे पास पोकेबॉल्स है। तो चलो पिकाचू तुम मेरा पोकेमॉन बनने वाले हो। ओके, तो पोकेमॉन पकड़ने के लिए गेट रेडी। ऑल राइट, तो इसको हिलाना पड़ेगा, मुझे सेटिंग्स नहीं देखना है। तो चलो इसके ऊपर अभी पोकेबॉल फेंकते हैं। पोकेबॉल फेंका मैंने, पिकाचू को मैंने कैच कर लिया है गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा, 1, 2, 3 और ये पोक बोल रहा हूँ, पिकाचू मैंने कैच कर लिया है गाइस, यू कॉट ए पिकाचू, वाओ गाइस हम लोगों ने पिकाचू कैच कर लिया है। ऑल राइट, तो अभी बोल्ट देख रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ पोकेबॉल को, अभी प्रोफेसर ओक आ रहे हैं। डेट वॉज प्रिटी फाइन परफॉर्मेंस फॉर ए फर्स्ट टाइमर, मतलब बोल रहे हैं
तुमने ये पहला पोकेमन पकड़ा है और इतना फैंटास्टिक तरीके से पकड़ा है, दैट इज रियली नाइस। ऑल राइट, व्हाई डोंट यू पिक अप दैट पोकेबॉल एंड गिव द पिकाचू यू कॉट अ नेम। पिकाचू को नाम देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पिकाचू को क्या ही नाम देंगे? एक मिनट, व्हाट इन द, ये इतना हिल क्यों रहा है? शायद से पिकाचू पोकेबॉल के अंदर रहना नहीं पसंद करता है, क्योंकि एस का पिकाचू भी पोकेबॉल के अंदर रहना नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए वो मतलब बिना पोकेबॉल के ही घूमता फिरता है। तो आप लोग देख सकते हो, ऑल राइट कहाँ चला गया पिकाचू? तो दौड़ गया, भाग गया कहीं पे, और गैरी तो ऑलरेडी पोकेलैब में है ही गाइस। प्रोफेसर रोग, दोस पोकेबॉल्स डियर, आई स्वेयर डियर और ओनली 2 seconds ago, but now there are 3। अच्छा, पिकाचू इधर ही आ गया है गाइस। गैरी बोल रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पे सिर्फ 2 पोकेबॉल्स थे, अब अचानक से पता नहीं कैसे 3 पोकेबॉल्स हो गए। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि पिकाचू सीधा आकर के इधर ही आ गए। ए परफेक्टली रीजनेबल रिएक्शन माई बॉय, यू सी वन ऑफ देम इज पिकाचू। यस आई नो डैट, आई एम बोल जस्ट कॉट जस्ट नाउ, सो वेट आई एम बोल्ड यू कॉट इट योर सेल्फ। ये मतलब आश्चर्यचकित हो गया है कि भाई तुमने पोकेमॉन पकड़ भी लिया, तुमने तो जस्ट अपना पोकेमॉन जर्नी शुरू ही किया था। यस मैंने पकड़ ही लिया क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ना, मजाक कर रहा हूँ गाइस। वाह, आई हैव नेवर सीन दैट हैपन बिफोर। सब लोग शॉक होके बैठे हैं क्योंकि पोकेबॉल जम कर रहे हैं ना, तो शायद से अभी प्रोफेसर ओक मेरे को बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए बॉल। यस यस थैंक यू, तो मैं ये बीच वाला ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पिकाचू ही चाहिए। लेट्स गेट पिकाचू गाइस। तो अभी हाथ आगे बढ़ा रहा हूं और आप लोग देख सकते हो कुछ हो रहा है। ओ वाओ गाइस, बॉल ऑटोमेटिकली गायब हो गया, आप लोग देख सकते हो, और पिकाचू को मैंने सक्सेसफुली पकड़ भी लिया है। हाँ, ये सूंग रहा है हार्ट को पसंद करने लगा है पिकाचू मुझे। वाओ पिकाचू, मन कर रहा है कि तुम्हारे गाल को ऐसे 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 करके स्क्वीज करो यार, तुम इतना क्यूट हो पिकाचू। तो ये जम कर रहा है गाइस। पिकाचू बिग गेम योर पोकेमॉन। सो गाइस, मुझे अपना पहला पोकेमॉन मिल गया है, तो चलो पोकेमॉन जर्नी को शुरू करते हैं। लेट्स गो गाइस, अभी बहुत सारे पोकेमॉन्स हम लोग को दिखाई देने वाले, और ये देख सकते हो सामने की तरफ एक पोकेमॉन है, और ये पोकेमॉन नॉन अदर देन है ऑडिश। क्या हम ऑडिश को पकड़ें गाइस? 2 पोकेमॉन्स होंगे, अच्छा भी होगा। पीजी भी है गाइस, एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ही चाहिए, पहले एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है हम लोग पकड़ लेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो पीजी। सो गाइस, पहले हम पिकाचू से लड़वाएंगे पीजी को। क्या मैंने पकड़ ही लिया क्या? ओ शिट, मैंने ऑटोमेटिक बॉल ही फेंक दिया यार। ओ गाइस, हमने पीजी को भी पकड़ लिया। ओ ये गाइस, हमने पीजी को भी पकड़ लिया, मुझे लगा ही नहीं था कि एक फुल हेल्थ वाले पीजी को हम लोग पकड़ पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने एक लेवल 4 वाला पीजी को पकड़ लिया है गाइस, न्यू पोकेमॉन। अभी मेरे पास 2 पोकेमॉन्स ऑलरेडी आ गए, मेरा पिकाचू का लेवल है 5 और मेरा पीजी का लेवल है 4, तो इन दोनों को अभी पूरा औसम तरीके से मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो ये है पीजी का फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन, आप लोग देख सकते हो। पीजी एक फ्लाइंग नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, ठीक है, और पीजी का गाइस 3 एवोल्यूशन होता है। तो चलो गाइस, ऑडिस से, अभी नहीं लड़ना है, ऑडिस नहीं चाहिए मुझे अभी। तो गाइस, हम लोग वेरिडियन सिटी पहुंच चुके हैं, एंड ये है सामने की तरफ एक पोकेमॉन सेंटर, आप लोग देख सकते हो। यह है एक पोकेमॉन सेंटर, यह है नर्स जॉय। तो एक काम करते हैं, अपने पोकेमॉन को हीलिंग करवा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ा लेते हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। चलो, ये लड़का कौन है? डू यू नो देयर आर एक्चुअल 2 काइंड ऑफ कैटरपिलर पोकेमॉन? यस आई नो, ओल्ड एंड गुड, बस इन्फॉर्मेशन बात रहा था क्या? और ये शायद से है पोकी मार्ट। यू केम अप फ्रॉम पैलेट टाउन, इसने मुझे बोला है। यू मस्ट नो प्रोफेसर ओक राइट? यस आई नो प्रोफेसर ओक, आई हैव गॉट अ डिलीवरी फॉर हिम, बट आई रियली कैन लीव द पोकेमार्ट अनअटेंडेड राइट नाउ। कैन आई गेट यू टू टेक दिस प्रोफेसर ओक फॉर मी? यस यस डेफिनेटली, मैं अभी जाकर के प्रोफेसर ओक को ये चीज़ दे दूंगा। एक पार्सल मिला है प्रोफेसर ओक के लिए। डू यू वॉन्ट टू हेड बैक टू द लैब? यस, तो चलो लैब में सीधा ही पहुंच जाते हैं। हम लोग पहुंच गए प्रोफेसर ओक के पास, प्रोफेसर ओक के पास। चलो, हमने दे दिया है वो पार्सल गाइस प्रोफेसर ओक को, और गैरी भी इधर आ चुका है। इट्स अबाउट माई ईवी, इट्स मूव्स अर, क्या? दैट्स सो कूल। अच्छा, इसने अपना ईवी को मतलब यूज कर भी लिया। मैंने अभी तक अपना पोकेमॉन यूज नहीं करा है गाइस, मुझे भी करना है यार अपना पोकेमॉन यूज। एंड नाउ वी हैव गैरी एज वेल, व्हाट फाइन टाइमिंग। आई हैव जस्ट एडेड हैड बीन डिलीवर्ड सम वेरी
हैंडी आइटम्स विच आई थिंक आई विल शेयर विथ द टू ऑफ यू गाइस. कुछ और मिलने वाला है गाइस. यू गॉट सम रेज बेरीज फ्रॉम प्रोफेसर ओक्स. ओक्स बोल रहा हूँ मैं, ओक एक ही आदमी है यार. तो गाइस प्रोफेसर ओक से हमें कुछ बेरीज मिले हैं खाने के लिए, तो वो खाएंगे गाइस. गैरी का ऑलरेडी भूख लग चुका है. आई विल स्टॉप यू राइट डियर सन, दोज बेरीज आर फॉर पोकेमॉन टू ईट, नॉट यू. गैरी बोल रहा है कि मतलब प्रोफेसर ओक बोल रहा है कि गैरी प्लीज तुम ये बेरीज मत खाओ, ये सिर्फ पोकेमॉन्स के लिए है. हाँ यार गैरी, तुम ऐसे कैसे खा सकते हो, पहले पोकेमॉन को खिलाएंगे ना. When you want to catch a Pokemon, try throwing one of those at your target before you take a Pokemon. अच्छा हम लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं Pokemons को, हम लोग berries फेंक सकते हैं और जैसे ही वो Pokemon berries को खाने के लिए आगे बढ़ेंगे तब हम Pokeball को फेंक के उस particular Pokemon को पकड़ सकते हैं. Then just catch them, right? If you're a trainer, you can have Pokemon battles with other trainers. हाँ मुझे पता है मेरे भाई Gary. I'll show you exactly what I mean. तो Gary के साथ पहला battle time होने वाला है. तो guys, पहले हम लोग लड़ाई करने वाले हैं Gary के साथ ही. गैरी के साथ ही पहला मुकाबला होने वाला है. जैसे कि देख सकते हो गैली क्या, गैली बोल रहा हूँ, गैरी क्या ही एटीट्यूड में खड़ा है. गैरी को लग रहा है ये मुझे हरा देगा. तो हम प्रोफेसर ओक के लैब में ही फाइट कर रहे हैं और गैरी के पास है ईवे और मेरे पास है पिकाचू. मेरे पास एक्चुअली डोडो पोकेमॉन से. तो चलो फाइट करते हैं पिकाचू लेकर के. तो थंडर शॉक का यूज करने वाला हूँ. पिकाचू थंडर शॉक जाओ. यस, लेकिन थोड़ा ही डैमेज दिया. अभी ईवी टैकल यूज कर रहा है. आप लोग देख सकते हो ईवी टैकल मार दिया मेरे को. मैं फिर से शायद से टेल व्हिप से कुछ नहीं होगा गाइस, थंडर शॉक का यूज करने ही वाला हूँ. थंडर शॉक पिकाचू. ईवी का थोड़ा ही हेल्थ रह गया है. ईवी फिर से कर रहा है टैकल. ओ भाई ईवी तो मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज दे रहा है. गाइस मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ. मेरे पास दूसरा पोकेमॉन है ना, तो मैं पीजी को उतारता हूँ बैटल में. जाओ पीजी तुम जाओ. तो मैंने पीजी को उतार दिया है बैटल मैदान पे. तो पीजी जाएगा अभी पिकाचू के जगह और पीजी करके दिखाएगा, क्योंकि पीजी को भी इक्वली इवॉल्व करना है. तो इसने ग्राउल यूज किया है गाइस. तो ग्राउल से क्या होगा, अटैक थोड़ा कम हो जाएगा शायद से. यस अटैक फेल जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और पीजी के पास सैंड अटैक भी है, टैकल भी है. तो मैं पहले यूज करूंगा टैकल. जाओ पीजी टैकल यूज करो. ओ शिट मेरे को टैकल कर दिया. पीजी जाओ टैकल. Yes! आप लोग देख सकते हो ईवी लेकिन स्ट्रॉन्ग है. सैंड अटैक का यूज करने वाला हूँ. ओ शिट इसने ग्राउल यूज किया है गाइस. लेकिन मेरा अटैक थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अटैक कम होने के चक्कर में मैं मेरा डैमेज नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से. तो मैं सैंड अटैक यूज करा. आप लोग देख सकते हो इसका भी शायद से अटैक फेल हो गया गाइस, एक्यूरेसी फेल हो गया गाइस. तो अभी मैं टैकल का यूज करने वाला हूँ. देखते हैं इसने अभी ईवी ने फिर. ऑल राइट गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने ईवी का हेल्थ एकदम लाल कर दिया है. फिर से पीजी टैकल का यूज करने वाला है क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही अटैक्स है गाइस. लेकिन ईवी भी बहुत हैवी अटैक यूज कर रहा है गाइस, हैवी डैमेज दे रहा है. लेकिन मैं शायद से ईवी को हरा दूंगा. यस मैं ईवी को हराने वाला हूँ. फिर से वो ग्राउल का यूज कर रहा है. कम ऑन पीजी यू कैन डू इट, टैकल का यूज करो गाइस. यस टैकल यूज किया और मैंने ईवी को हरा दिया गाइस, मैंने ईवी को हरा दिया. 32 एक्सपी पॉइंट्स मिले मुझे. आप लोग देख सकते हो पिकाचू ग्रू टू लेवल 6 और पिकाचू ने एक नया अटैक भी सीख लिया, क्विक अटैक. ओह वाओ हमने गैरी को हरा दिया और गैरी के मुंह को आप लोग देख सकते हो एक पसीना निकल रहा है मतलब. मुझे 120 रुपये अभी मिला है. मजा आ गया गाइस. गैरी बोल रहा है ओ जीज डियर हाई वैन माउंटिंग ऑफ लाइक आई न्यू एवरीथिंग. गैरी बोल रहा है कि मुझे लगा था मैंने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन मैंने कुछ अभी तक अच्छी तरीके से सीखा नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे हार गया हूँ. एंड देन आई लॉस, हाउ एम्ब्रेसिंग. मतलब ये कितना शर्मनाक बात है ना कि मैं तुमसे हार गया हूँ. लेकिन लड़ाई में हार जीत तो होता ही रहता है गैरी. तो अभी इसके साथ फाइट करने का वक्त आ गया गाइस. इसने मुझे बोला था कि तुम्हारे साथ फाइट करेंगे थोड़ी देर बाद, तो चलो इसके साथ फाइट कर ही लेते हैं गाइस, मज़ा आने वाला है. पिकाचू ने एक नया अटैक भी सीख लिया है, क्विक अटैक. तो बहुत ही बेहतरीन होगा अभी ये फाइट. ओके तो इसने राताता सेंड किया है अपनी तरफ से. इसके पास राताता है, मेरे पास पिकाचू और पीजी है. तो चलो पिकाचू तुम्हें फाइट करना पड़ेगा. तो पहले हम लोग क्विक अटैक से शुरू करेंगे. पिकाचू जाओ क्विक अटैक करो. तो आप लोग देख सकते हो पिकाचू ने क्विक अटैक करा और रैटाटा का हेल्थ एकदम थोड़ा सा रह गया है. और रैटाटा ने भी टैकल का यूज़ करा है लेकिन मेरा हेल्थ थोड़ा सही गया है. और अभी थंडर शॉक
का यूज करके हम लोग रेटाटा को फिनिश करने वाले हैं। सो पिकाचू यूज योर थंडर शॉक। आप लोग देख सकते हो मैंने रेटाटा को खत्म कर दिया, तो बैटल का विनर मैं हूं गाइस। 12 एक्सपी पॉइंट्स मिला है। यस यू बीट यंगस्टर, यू आर रियली स्ट्रांग है, मेरे को बोल रहा है तुम बहुत शक्तिशाली हो। अभी जस्ट शुरू हुआ है मेरे छोटे भाई। यू गॉट 3 पोकेबॉल्स, मुझे 3 पोकेबॉल्स भी एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो मैं पोकेबॉल के मदद से पोकेमॉन्स भी कलेक्ट कर सकता हूँ गाइस, पकड़ सकता हूँ। तो सामने की तरफ है गैरी, तो देख सकते हो। सो जाकर के गैरी से बात करते, क्या हो गया गैरी? हाउ यू लुक प्रीटी प्लीज अबाउट समथिंग आई एम बोल्ट। यू बीट अनदर ट्रेनर, गुड जॉब। इसको पता लग गया है कि मैंने एक अनदर ट्रेनर को भी बीट कर लिया है, हरा दिया है। सिंस वी ऑन द टॉपिक, द पोकेमॉन यू सेंड टू बैटल माइट हैव लॉस्ट सम एचपी और पीपी, यू शुड टेक डैम टू पोकेमॉन सेंटर एंड गेट डैम हिल्डा। मुझे ये चीज़ पता है गैरी, इट डजेंट कॉस्ट एनी मनी एंड डजेंट टेक लॉन्ग एट ऑल। पैसा नहीं लेता है गैस पोकेमॉन सेंटर में पोकेमॉन्स को रिवाइव करने में, करने के लिए। तो गैरी तो चला गया है, तो बैटल के दौरान शायद से पिकाचू को थोड़ा सा चोट लगा है। तो चलो हम अपने दोनों पोकेमॉन को थोड़ा सा हेल्थ दे देते हैं, थोड़ा सा रिकवर कर देते हैं। नर्स जॉय रिकवर कर देगी। नर्स जॉय, कैन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई पोकेमॉन? यस डेफिनेटली शील टेक केयर ऑफ माई पोकेमॉन। और मैंने अपना पोके बॉल्स नर्स जॉय को दे दिया है, और पिकाचू के पास पोके बॉल्स नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो हील अप हो गए हैं दोनों के दोनों पोकेमॉन्स, हील अप हो गए, रिकवर भी हो गए। सो गाइस मैंने अपने पोकेमॉन्स को रिकवर कर लिया है। अभी हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं। चलो गाइस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं इधर पोके जिम है कि नहीं। और ये है वेरिडियन सिटी ना, वेरिडियन सिटी ना, हाँ वेरिडियन सिटी में है हम लोग। और आप लोग देख सकते हो एक लड़की अपने ऑडिश से बात कर रही है, तो चलो इस लड़की से बात करके देखते हैं। वाओ योर पोकेमॉन इज राइडिंग ऑन यू, दैट्स सुपर क्यूट। ये भी शौक हो गया कि पिकाचू मेरे कंधों में बैठ के मेरे साथ जा रहा है। यस दैट इज़ वेरी शॉकिंग राइट। चेक योर पार्टी मेनू एंड टेक आउट ए पोकेबॉल टू टेक आउट ऑफ हिज पोकेमॉन। ओ गाइस हम लोग किसी भी पोकेमॉन को अपने साथ ऐसे मतलब, ओ पीछे भी मेरे साथ अभी जा रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। हम लोग ये कर सकते हैं, एक मिनट देखते हैं कैसे करना पड़ता है। तो गाइस पोकेमॉन को मतलब अपने साथ ऐसे खुलेआम लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब विदाउट पोकेबॉल वी कैन आल्सो टेक आवर पोकेमॉन विथ अस। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, पहले मैंने को खोल के यहाँ पे पार्टी का आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पार्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट मैंने क्या कर दिया, पार्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पार्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है पीजी, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिटर्न टू पोकेबॉल, अभी मेरे साथ ईवी मतलब पीजी घूम रहा है, ईवी बोल रहा हूँ गाइस। तो पीजी को हम अपने पोकेबॉल में अभी फ़िलहाल डाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इधर से चलते हैं गाइस। एंड गाइस वहाँ पे मेरे को एक पोकेबॉल दिखाई दे रहा है, उसको भी पकड़ लेंगे। एंड गाइस मुझे पता है हम इन सब पेड़ को काट पाएंगे, लेकिन अभी नहीं बाद में। गाइस हम लोग रूट टू पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। रूट टू में तो भाई साहब पोकेमॉन्स तो रास्ते में घूम रहे रेटाटास, लेकिन मुझे रेटाटास के साथ अभी फाइट नहीं करना है, मतलब पकड़ना भी नहीं है, एनकाउंटर भी नहीं करना है, कुछ हो रहा है। गैरी तो इधर पहले ही पहुंच गया है गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ओके ओके ओके, यू नो देयर इज अ पोकेमॉन जिम अप दिस वे राइट आई एम बोल। हाँ मुझे पता है पोकेमॉन जिम है इधर। यू कैन बैटल अगेंस्ट द जिम लीडर देयर एंड ही इज सीरियसली स्ट्रांग। इफ यू वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉन्गर यू हैव डेफिनेटली got try to take him on. All right. Ha, geez, Pikachu, you're ready for a good battle too, huh? Who wouldn't be? All right, then you're making me want to cheer you guys on too. So take this. Kuch mil raha hai Gary se. Mujhe 5 potions mila hai battle ke dauran, shayad se zarurat pad sakti hai. You put a potions in your medicine pocket. Maine medicine pocket mein apna potions dal liya hai guys. Beat the gym leader, I am bold, and you can call yourself as a true trainer. Give it your best. ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग जिम लीडर के साथ भी फाइट करेंगे, लेकिन अभी नहीं गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लेट्स गो पिकाचू वाला सीरीज कंटिन्यू करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में हल्ला चाहिए, जोश चाहिए, या एकदम पार्ट टू करके कमेंट करो, कौन सा पोकेमॉन पकड़ना है कौन सा नहीं, वो सब कमेंट करो। और सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा जोश और ज़रा बढ़ेगा, एकदम चार्जर की तरह मैं फ्लेम थ्रो करने वाला हूँ अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। एंड मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, जिम बैटल। तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो। बाय बाय गाइस, लव यू एंड टेक केयर।